हेलो, कृष्ण बायो फार्मर हेल्पिंग चैनल में आपका स्वागत। इस वीडियो में बात करेंगे बोरोन फर्टिलाइजर के बारे में, बोरोन 20 जो फोली बोरोन फोलियर स्प्रे वाला बोरोन, इसके बारे में, उसको फसलों में क्या फ़ायदा होता है स्प्रे करने के बाद, और कौन कौन सा फसल में स्प्रे कर सकते हैं, इसका डोज कितना स्प्रे करना है, दूसरा कोई फर्टिलाइजर का साथ दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, बोरोन फर्टिलाइजर के बारे में A to Z बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। किसान भाइयों, मार्केट में अलग अलग कंपनी का अलग अलग बोरोन माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर रहता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, एक ही होता है। आप कोई भी बोरोन माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर आपका खेती बाड़ी में स्प्रे कर सकते हैं, डीप इरिगेशन भी कर सकते हैं। बोरोन दो तरफ का होता है, एक होता है जो फोलियर स्प्रे वाला बोरोन है, और एक होता है जो ड्रिप इरिगेशन वाला बोरोन, जो दूसरा कोई खाद के साथ आप भी दे सकते हैं। मिट्टियों में जैसे पौधों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कौन कौन सा फसलों में दे सकता है अब इसके बारे में बात करेंगे। जैसे एप्पल का फसलों में, कॉलीफ्लावर जैसे फूलगोभी का फसलों में, टोबाकू, पोमग्रेनेट, ग्रेप्स का फसलों में, कीड़ा का फसलों में, तुरई का फसलों में, फलों में, सब्जियों में जो बोरोन फर्टिलाइजर स्प्रे कर सकते हैं, डीप इरिगेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। आइए बात करेंगे बोरोन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है फसलों में क्या फ़ायदा होता है देने के बाद, अब इसके बारे में बात करेंगे, और कब फसलों में देना है जो बोरोन 20 फोली बोरोन है इसका बारे में बात करेंगे। जैसे आप बोरोन जो कोई भी पराग अंकुरण के लिए फसलों का आवश्यक है, जो बेहतरीन बोरोन जो एक नॉन मेटल एलिमेंट है, जो फसलों का माइक्रोन्यूट्रिएंट जो नॉन मेटल एलिमेंट रहता है, जो टेस्ट ऑफ कॉलीफ्लावर जैसे कॉलीफ्लावर का अच्छा होने के लिए भी बोरोन जरूरत होता है। फूलगोभी का फसलों में जैसे मास्ट जैसे आप यूज़ करना है बोरोन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर रहता है। बोरोन जो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट जो पोटाशियम का अनुपात जैसे काम करता है फसलों में, बेहतरीन काम भी करता है फसलों में। फूलगोभी का फसलों में जैसे क्या आता है डिजीज़, जैसे ब्राउनिंग और होलस्टेम जो बीमारी आते हैं फूलगोभी का फसलों में, जो बोरोन के लिए होता है, इसके लिए आप बोरोन फर्टिलाइजर यूज़ करना है। स्प्रे भी कर सकते हैं फूलगोभी का फसलों में, स्प्रे वाला डोज होता है 20 ग्राम पर लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना, और डीप इरिगेशन में उसका डोज देना 10 से 15 ग्राम, दूसरा कोई खाद के साथ एक साथ मिक्स करके भी दे सकते फूलगोभी का फसलों में। टोबाकू का जो एक बीमारी आता है टॉप सिकनेस जो बीमारी आता है, जो बोरोन फर्टिलाइजर के लिए होता है, और भी जैसे डाईबैक रोसेट जो एप्पल का जो एक बीमारी आता है डाईबैक और रोसेट, उसका जो बोरोन फर्टिलाइजर के लिए होता है, और भी जैसे फ्रूट क्रिकिंग ऑफ टोमेटो में जैसे फ्रूट क्रिकिंग का बीमारी आता है, उसका बोरोन फर्टिलाइजर मास्ट यूज़ करना है जो टोमेटो जो फ्रूट क्रिकिंग होता है। सिट्रस का फसल में कौन सा बीमारी ज़्यादा आता है, जैसे हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस जैसे हार्ड हो जाता है, उसमें बोरोन जो फर्टिलाइजर है स्प्रे करना है, और जैसे हैन एंड चिकन डिजीज आता है ग्रेप्स में, अंगूर में, इसमें भी बोरोन फर्टिलाइजर यूज़ कर सकता है। आइए बात करेंगे फोली बोरोन 20 जो माइक्रोन्यूट्रिएंट बोरोन फर्टिलाइजर है फसलों में देने के बाद फसलों में क्या ग्रोथ होता है इसके बारे में। जैसे कोई भी सब्जियों का खेती में, फलों का खेती में, जैसे आप बोरोन फर्टिलाइजर यूज़ करने के बाद स्प्रे वाला, जैसे फूल गिर जाता है, फल गिर जाता है, उसको नियंत्रण कर सकता है। इसका फसल का क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहता है, शेप भी बहुत अच्छा रहता है, और पत्तों का प्रॉब्लम जो बीमारी आती है उसको भी कंट्रोल कर सकता है जो बोरोन माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर स्प्रे करके। स्प्रे वाला बोरोन भी दे सकता है, और जो डीप इरिगेशन वाला बोरोन भी दे सकते हैं, पौधों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कृष्ण भाई, अभी बात करेंगे बोरोन फर्टिलाइजर का डोज के बारे में। इसका डोज सही होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो फसल खराब हो जाता है, इसलिए इसका डोज ध्यान से सुनना, कौन सा कितना डोज उसका फसल में स्प्रे करना है। जैसे आप कोई भी लिक्विड जैसे फोलियर स्प्रे वाला जो बोरोन होता है, इसका डोज होता है 20 ग्राम पर लीटर पानियों में घोलकर स्प्रे करना है सब्जियों में, और फलों में जैसे 20 से 50 ग्राम तक स्प्रे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी पौधों में उसका जैसे कोई भी सब्जियों का पौधों में जैसा ड्रिप इरिगेशन करता है, तो उसका डोज देना है 20 से 30 ग्राम तक दे सकते हैं, दूसरा कोई खाद के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कोई भी फलों का खेती में जैसे मैंगो में, अनारकुली में, सेब में जितना उसका डोज होता है पर पौधों के लिए 250 ग्राम तक दे सकते हैं, पर पौधों में जो बोरोन माइक्रोन्यूट्रिएंट जो ड्रिप इरिगेशन वाला बोरोन होता है। कृष्ण भाई, जब आप टमाटर का खेती करता है तो क्या होता है, टमाटर का जो बीमारी आता है फ्रूट क्रैकिंग,
फ्रूट क्रिकिंग बीमारी में क्या होता है, जैसे बोरोन के लिए जो फ्रूट क्रिकिंग बीमारी आता है तो उसमें क्या करना है, आप जो फ्रूट क्रिकिंग बीमारी है इसमें बोरोन फर्टिलाइजर आप फोलियर स्प्रे करना है। फोलियर स्प्रे करने में बहुत अच्छा नियंत्रण होता है जो फ्रूट क्रिकिंग का बीमारी आता है। फूलगोभी का फसलों में जो होलोस्टेम और जैसे बीमारी आता है इसको भी, ब्राउनिंग जैसे बीमारी आता है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं जो बोरोन फर्टिलाइजर यूज़ करके। बात करें कब यूज़ करना बोरोन माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर फसलों में, इसके बारे में जैसे आप खाद देता है आपका खेती बाड़ी में, इस टाइम में भी ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक साथ भी दे सकते हैं। नहीं तो आप क्या करना है, जैसे आपका फसलों में फूल आता है, फूल आने के बाद भी स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के बाद क्या होता है, जब मैच्योरिटी होता है फल, इस टाइम में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जैसे फलों में क्या होता है, मैंगो में, अनारकुली में, लीची में जैसे फूल आता है, इस टाइम में देना, जैसे फूल गिर जाता है इसको नियंत्रण करने के लिए भी बोरोन स्प्रे करना है। इसके अलावा जैसे मैंगो का जो क्रैकिंग होता है उसके लिए भी दे सकते हैं, लीची का जो फ्रूट क्रैकिंग बीमारी आता है उसके लिए भी स्प्रे करना है। स्प्रे करने बहुत अच्छा नियम। क्रिश्चियन भाइयों, इस वीडियो में बोरोन फर्टिलाइजर के बारे में ए टू जेड बात किया, क्या क्या जानकारी इस वीडियो में बात किया था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक में आप वीडियो चाहता है तो इसके बारे में आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक में आपको कौन सा एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो चाहता है इसके बारे में आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो में।